राधे राधे। कभी आपने देखा होगा दीपक तले अंधकार होता है, जो दीपक संसार को प्रकाश देता है उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार लेते हैं कि व्यक्ति स्वयं की समस्याएं तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाके उपदेश देता है, किंतु इसे देखने का एक और दृष्टिकोण भी है और वो ये कि स्वयं जल कर इस संसार को प्रकाश केवल वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है, इस संसार को दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की शीत हो। अब देखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। ये विवेक तभी काम करता है जब मन शांत होगा, जब मन शीतल होगा। इसलिए यदि आप इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने इस मन को, इस हृदय को, इस विवेक को, इस आधार को, इस तल को शीतल रखना सीखिए, धैर्य रखिए। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना कर पाओ। राधे राधे। इस दिए को देख रहे हैं, स्वयं भी जलता है, स्वयं की बाती को भी जलाता है और इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे हुए व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण। किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिस माटी से इसको बनाया गया है, वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसे आकार दिया, नहीं सोचता किसने इसे खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा, कुछ नहीं। बस इस संसार को प्रकाश देता है और कदाचित इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। ये अपना या किसी और का घर देखकर जलता नहीं, ये जलता है केवल अंधकार से लड़ने के लिए। तो आप भी अपना व्यवहार इस दिए की भांति बना लीजिए, अपनी ये पहचान बिस्तरा कर निस्वार्थ कर्म कीजिए और अपनी एक नई, एक बड़ी, एक अद्भुत पहचान बनाई। राधे। उपहार का कोई मोल नहीं होता, किंतु उपहार देने वाला उसका हृदय, उसके हृदय की शुद्धता, उसके हृदय में जो प्रेम, वही सदैव प्रमुख होता है। समय, ये समय न व्यक्ति है, न जीव, न वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, ना अग्नि, ना वायु, किंतु हमारे जीवन का आधार है। देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो किसी का बुरा, कोई समय के आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के जाने की प्रतीक्षा करता है। किंतु ये समय किसी के हाथों नहीं आता, ये समय जो किसी को दिखता नहीं, ये सबको सब कुछ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि अपना कौन, पराया कौन, हमारे हितैषी कौन है, अहितकारी कौन, हमारे मित्र कौन है और हमारे शत्रु कौन। इस समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली, यही समय आपको दिखा देता है कि आप कितने दुर्ग। इस समय सब कुछ दिखा जाता है। तो ये समय जो इतना बलवान है, इसे हम नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इस समय का उपयोग करना केवल यही आपके हाथों में और कुछ नहीं। और ये समय एक बार बीत गया तो कुछ भी कर पुनः लौट कर नहीं आया। तो इस समय का सदुपयोग कीजिए और सब में हर्ष बांटिए और आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।